अंजाम देने वाले दो साथी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या बरामदी हुई है, क्या इनका पुराना आपराधिक इतिहास है? ये दिनांक 20/8/2024 को विकास नगर के रहने वाले हैं। इनके वास्तु खंड में रहते हैं फैमिली, उनके घर में चोरी हुई थी, इन्होंने एफ आई आर लिखाई हुई थी। तो पुलिस और क्राइम ब्रांच की थाना विभूति खंड और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी अलर्ट करा, पर ये जो पकड़े गए इनके साथ बरामदगी हुई है। बरामदगी का विवरण लिखा हुआ है इस नोट में। इनके पास इन्होंने 6 बिस्किट चोरी करी हुई थी, एक बिस्किट सोने का और एक पीली धातु की चैन, एक पीली धातु की नथ, एक पीली धातु का मांग टीका, एक पीली धातु की अंगूठी और 87,400 रुपये नगद बरामदगी कराई गई है इनके पास से। और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, ये बाहर के चोर हैं, ये हर जगह घूम घूम के चोरियाँ करते हैं और इनके भी इन पर और इनके बारे में जानकारी दी जा रही है जैसी भी होगी चीज़ें। अभी फिलहाल ये जो हमारी चोरी में दो ही थे और दो ही लोगों ने कबूली भी है और हम और ऐसे इंक्वायरी कर रहे हैं अभी इनके बारे में, इनके आपराधिक इतिहास के थ्रू और बाकी इनके वोटर सपरेंडिंग के बारे में और जानकारी कर रहे हैं। पुराने वोटरों को गहराई से पड़ताल करते हुए इनके बारे में और जानकारी करी जा रही है। एक एक का नाम है मिंटू विश्वास, ये रहने वाले हैं पश्चिमी दिल्ली के, और दूसरे का नाम है राम भरोसा, ये रहने वाले हैं संभल के। दो चोर हैं, राजस्थान समेत दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ को टारगेट करते हुए राजस्थान से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर चोरी की, बिस्कुट चुराया, तो उस ऑफिस को, रियल एस्टेट ऑफिस को कैसे चिन्हित किया? ये जैसा इन्होंने बताया, अभी पूछताछ में और भी पता किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि ये पूछ रेकी करते हैं, ये घूमते घूमते रहते हैं और मतलब रेकी करते हैं और फिर जब इनको टारगेट दिख जाता है फिर वो अपना तरीके से रेकी करने का। अगर काम की बात किया तो रेकी किस तरीके से करें, क्या फेरी वाला बने हैं, सब्जी वाला बने हैं, या फिर किस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं लोगों को? नॉर्मल तरीके से घूमते रहते हैं, घूमते हुए ये किसी भी नई जगह जाते हैं और घूमते हुए कहीं स्टेशन पर रह के या किसी जगह रह के एक दो दिन ऐसे घूमते रेकी करते हैं। जैसे कि बड़ी जगहों पे जहाँ रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं या बड़े लोग रह रहे हैं। राजधानी में कब से रह रहे हैं? इन्होंने बताया कि 3 दिन पहले, घटना से 3 दिन पहले ही यहाँ राजधानी में आए हुए थे। और सर अगर बात की जाए, एक अलीगढ़ से ज्यादा जेल गया है, दूसरा अगर बात की जाए तो लखनऊ से गया है, गैंगस्टर का आरोपी है, दोनों लोगों की मुलाकात कैसे हुई, कैसे आपस में एक गैंग बनाई? ये आपस में काफी दिनों से ऐसा काम करते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू कम कनेक्टेड रहते हैं, ये आपस में फिर पहले से बातचीत कर लेते हैं कहाँ से इनकी मुलाकात करनी है, मोबाइल फोन के थ्रू भी थोड़ा सा कम बातचीत करते हैं। उन्होंने एक का लखनऊ का आपराधिक इतिहास है, दूसरे का अलीगढ़ का, तो दोनों की दूरी काफी है, तो आपस में कैसे कनेक्ट हुए? लखनऊ का जो अपराधी, दोनों रहने वाले, एक दिल्ली पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा वहाँ का संभल का रहने वाला है, तो ये पहले से दूसरे को जानते हैं और मोबाइल फोन के थ्रू पहले से बातचीत करके रखी थी, वहाँ मिलेंगे। और सर जो सोने के बिस्कुट इन्होंने चुराए थे वो किसको बेचा था, जो कि 87,000 के बरामद किए हुए? ये इन्होंने कैश नहीं, कैश भी क्या हुआ था, बेच के नहीं भेजा हुआ था, कैश की जो चोरी हुई थी तो कैश की बरामद की हुई थी। हाँ, बेचने के फ्राक में थे और बेच नहीं पाए थे अभी। ज्यादा बिस्कुट थे, दो बरामद हुए हैं, किस जगह? अभी और पता किया जा रहा है। जैसे अभी जो जानकारी मिली है इनके पास से, जो बरामद की हुई है वही यही है, और भी पता किया जा रहा है। इनको अभी किसी को बेचना नहीं बताया जा रहा है, बेचने की फिराक में जरूर थी।